हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी, हम भी बढ़िया है। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और सो उठते ही मैं जाने लगा हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि ना कल से बारिश अब जाके थोड़ा बहुत रुकी पड़ी है। खैर, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन क्या भरोसा भाई, ऐसा ना हो कि दिन में हो और तेज़ बारिश हो जाए। तो तब तक ताई जी जा रखे हैं घास लेने के लिए, और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना पड़ा है भाई। देखो, गाय भी राम रही है, क्योंकि कल तो बहुत ही कम घास खाया भाई इन्होंने, लेकिन आज बहुत सारा घास लाने वाले इनके लिए। और जो मौसम है ना आज का, कल से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा है भाई। तो जैसे ही मैं उठा, मैंने सोचा कि आज थोड़ा सही होगा, लेकिन भाई और भी तेज हवा चल रही आज तो। तो चलो चलते हैं अभी घास लेने के लिए। और इधर देखो, घास ना जमीन पे आ चुका है भाई। तो अगर लगातार बारिश रही तो ये घास जो है इधर ही सड़ने वाला है। कट गया तब बड़ बड़ लटकाओ फटाफट वही तक। घास भी तो बर्बाद कर ले ला। वही तो अभी दो पुली कट चुकी हैं, तो इनको घर पर रख के आ जाते हैं भाई, क्योंकि ना मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अचानक बारिश आ गई तो फिर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। तब तक पाई की और काट लेगी। दगड़िया ओ बिया घास ही निसाज जर भी ना निकटन दिया सरगल जर भी निकटन दिया वर्षा घास चला मिल गया आज ना से पानी भी नहीं कह रही पर खलम डूडी सीधा घास कने आ गई। बस एक घूट से एक पियूच एक घूट से आती है रही। हां सीधा घास कने आ गयो। और घास क्या मतलब खान पीन से तो गोर रखे दियो ना गोर मुश्किल हो जा। बिल्कुल खाना दिन तो आली भैया गोर से मुंह बानो सेंट रो सेंट पार ये मलो भी। हां मु तो भी दियोनी छे। हट डोल दे उन्हें। हाँ मिल तो तेल छोड़ी दर में ताई फिर आन था। तो अभी तक 7 पुली काट ली है। हाँ और बारिश की वजह से गाय भी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है भाई। ये तो बड़ी हरामी है ये वाली, ये देखो मारने के लिए आ रही है। कुछ आन तब दे रहा बोड़िया तुझे खा ले तब। के भाई क्या होना जड्डू लगना जड़ लग माई। हाँ तो पोड़ साकी तब है और इधर देखो जो मक्के वगैरह बचे थे ना सब नीचे गिरा दिए इसने।
घास लेके तो आ गया हूँ, और इधर देखते हैं थोड़ा जो सब्जी गिरी पड़ी है ना हवा से, उसे ले चलते हैं नाश्ते के लिए। तो इधर कछिले देखो भाई, सब नीचे गिरा दिए। और ना कल शाम तक बहुत सारे कछिले दिख रहे थे इस बेल पे, लेकिन अब एक भी नहीं है, यानी कि सब नीचे गिर चुके हैं भाई। तो ये दो ले चलते हैं सब्जी के लिए। इधर ये था गोदड़ी का बेल, इसको भी नीचे की तरफ झुका दिया है। और यहाँ जो ककड़ी लगे पड़े थे थोड़ा बहुत, उनकी हालत देखो भाई। ये वो तो ठीक हुआ कि ज़्यादा लोड नहीं है बेल में, वरना जो बेल है ना ये नीचे कब का गिर जाता। तो ये ककड़ी वहाँ पर लगी पड़ी है, और ये किए हैं, और ये की लग रहा है भाई खायली का कीड़ा और ये कादीस वाले पर भी लग रहे हैं। और इधर वाले बेल का देखो याची सब कुछ हिला के रख दिया है, और ये की है, यानी कि बहुत सारी ककड़ी लगने वाली थी लेकिन अचानक इसने सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये देखो भाई जो अनार है ये भी पकने लग गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा खट्टा है लेकिन कुछ दिन बाद सही हो जाएगा ये, क्योंकि धूप तो मिल नहीं पा रही इसको। ओहो और ये ककड़ी यहाँ पर लगी पड़ी है। अबे यार क्या हो गया, ये जितने भी बेल मेढ़ पे थे वो भी नीचे भांगी खेत में आ गए हैं। जो पहाड़ी करेले के बेल थे उनके पत्ते तो बिल्कुल ही गायब हो गए। अब लगातार तेज हवा चलेगी तो पत्ते देखो भाई ये किस तरह से मुड़ जा गए हैं। और तो और अब घर के अंदर भी डर लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि घर के जो पटाले हैं वो भी नीचे गिर जाए। तो आखिर क्या क्या जो बचाएं, सब्जी बचाएं या फिर ये घर भाई। तो सब लोग यहाँ पर आंधी रुकने का वेट कर रहे हैं। क्या बताना बड़ा मौसम है तो मैं कब तक रुका ले? कुछ अनुमान और ना जब तक ताई नाश्ता बनाती है मैं थोड़ा नेटवर्क से होके आ जाता हूँ, क्योंकि दो दिन से कहीं बात भी नहीं करी है, तो फटाफट बात वगैरह करके भी आ जाते हैं और थोड़ा दादाजी और के घर पर भी देख के आते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या होने से आ रही हो? देखिए बेल तक पर बहुत ज़्यादा पात फूल दिखे ना सही, सब पात उल्टे हुए, सब उल्टे हुए। और इधर दादाजी और के केले के पेड़ देखो, ये भी सब नीचे की तरफ भागने लग गए। और यहाँ पे थे देसी मक्का लेकिन ये भी रास्ते में आ चुके हैं। क्यों छोलू में रह जा लगो कि आ जाना चाहिए था और वहाँ देखो नीचे आया आया क्या लपुड़ी भैया। हाँ भाई तो लटकाया लिवल सर यार, अबे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा। क्या करें यार, तो आज श्रीपाल भी इधर मुआयना करने आ रखा था कि सिद्धखाल में कैसा हुआ पड़ा है मौसम है लेकिन क्या ही बताएं। और सिलगांव तो थोड़ा नीचे में है, तो हो सकता है यहाँ के मुकाबले थोड़ा कम हो वहाँ पे हवा है ना, वो कम च बरकत खैर वाल इन्हीं वाले बरकत हर जगह इन्हीं तो लग रहा है कुछ ककड़ी कुकड़ी और इस बार जबकि ककड़ी के बेल बहुत सारे थे सब लोग खुश थे कि भाई ककड़ी खाएंगे हैं बहुत सालों बाद, लेकिन अचानक सब कुछ तबाह हो गया। इधर भुल्ली
मेरे लिए चॉकलेट निकाल के बुल्ली ने खा लूं ऐ दे दे ऐ दे दे आधा तो डेली की डेली अरे उतर लगा दिन बाद में भी धोन दियो कोई वानी रण दुखे कर धारम पोड़ी रन दो घास काट ले क्या बोल रहा तुम बोल सेव उठी कर रहे सेव उठी बस 10 बज गया अदाजी का जा रहा आज ना ये पकड़ा जा ना अरे ये फूल तो पास बुखा दे चल क्या लोग दी अरे साहब रन दे बना भी ढूंढ दे तब काट लेंगे ले तो आधा खतर तुम खा लो ना बना नहीं खाना दी ले तो मैं जनजना ये दे दे वो तो दे दे अरे खा ले चूना रोट कम तोड़ मिया ये चट पहुंच जा सुनो दत्ता भी दे दियो सुनवा चट पहुंच जा ये देख खा भी जब देखो खुट की मोड़ आने के रहने लो तुम खाना दे चॉकलेट हां उन्हें खा ले वो तो खा ले बहुत जबरदस्त तोल चाह रही तो और अभी पहुंच गए जहां पर नेटवर्क आता है भाई तो यहां पर बैठा रहता हूं नेटवर्क के लिए और इधर भी थोड़ा बहुत खेती पाती थी हमारी ये देखो अदरक उधर मूली हल्दी साथ में भांग कुछ ककड़ी के बेल इधर थे और छीमी वगैरह यानी कि जो पहाड़ी दालें हैं ना वो सब यहां पर थी भाई तो इस वाले घर में तो और तेज़ हवा है क्योंकि ना इस साइड से हवा का फ्लो है जो ना बहुत तेज़ी से इधर को आ रहा है भाई और ये वाला घर देखो भाई हालत कैसे होगी बरसात में इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग है ना सब काला पड़ गया है और इसका जो छत है ये तो बहुत ही ज़्यादा टपक रहा है यानी कि आने वाले 2-3 साल का मेहमान है अगर ऐसे छूटा रहा तो और अभी जाने लगे हैं सेब के बाग में इधर देखते हैं जो पेड़ों की स्थिति है वो कैसी बनी पड़ी है लगभग 4 फीट के पेड़ हो चुके हैं सेब के और यहाँ से वो वहाँ नीचे तक पूरा बाग लगाया हुआ है और उधर वहाँ तक तो अभी ऊपर चल रहे इस वाले में देखो पेड़ कितने बढ़िया हो रहे हैं और ये बनाया हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ये देखो इतना सारा पानी हो रखा है इसमें और एक बड़ा टैंक ये है ये तो पूरा ओपन है और इसकी कैपेसिटी है 3 लाख लीटर की तो इसमें भी आधा पानी भरा पड़ा है लेकिन उसके बाद जो इस सीट है ना ये हल्की हल्की डैमेज हो रखी है यानी कि इस लेवल से ऊपर तक पानी भरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है तो भाई ना दोस्तों ब्लॉगिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आजकल तो और हर किसी को लगता होगा कि भाई कितने आसानी से वीडियोस बन जाते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो तो हमें पता है भाई इतनी तेज़ बारिश और हवा में भी वीडियो बनानी पड़ती है और ना जाने कैसे करके वीडियो को अपलोड करा जा रहा है क्योंकि टावर के लिए यही कहीं आना होता है और यहाँ तो बहुत ही तेज़ हवा है क्योंकि हमारी इधर का टॉप पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर ही टावर लगा पड़ा है और एक टॉप पॉइंट वो है वहाँ कहीं तो वहाँ तो मुझे लग रहा है इससे भी तेज़ हवा होगी भाई क्योंकि इसे अगर ओढ़ेंगे फिर तो ये टूट ही जाएगा अरे यू तो बांध दिया तब थोड़ी देर ना जो लड़के थी मुंगेर ये तो ये मैं काट हाँ काट दो मूड बड़े काट दो ना ओ
जब मिउ बोनो बत छै छै इ त मुन्नी छ यार हम छौ कहिम पूरे बेल पे ककड़ी तो थाई लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बांदर तो नहीं आ रही आज गाय कल से। अरे ना अभी ना छड़ियो पर है अभी ना छड़ियो अब फिर हवा लूँ ना। और हम ककड़ी वहाँ ढूंढ रहे बेल पे लेकिन दादी उसे कब की तोड़ के लिए आई है। अमल बाल ककड़ का गाय क्या लग रहा था मारा मार है मार मार तो भैया बहुत था। और इधर दिन का खाना भी बनने वाला है लेकिन आज हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है बहुत लेट हो गए। और दादाजी देखो अब सो के उठ रहे हैं। ललकाई थमुलवाल पहले घास घूस काट दे लो ये बात आप पेट पूजत हुई लेला ना सब घास काट तो मजा आ गया। अब तीन चार दिन आराम पहले अब मेरे वहां से बजर पोड़ से बजर पोड़ आते तो मौसम के बताओ उस तब कब तक हाल बीत भविष्यवाणी थोड़ा कर सकते बेहाल तो तुम बोलने से केवल बारह एक बज बंद हो जाना पाँच बज बंद हो जाना लेकिन आज तक दुआ नहीं तेल तो बोले के आज तक बंद दिन दरा रेल तो दादाजी भी नहीं बता पा रहे मौसम के बारे में जबकि पुराने लोगों को आइडिया होता था एक कि भाई बारिश कब होने वाली है और कब रुकने वाली है लेकिन ये समय में नहीं इसको खाली हुआ है कभी भी हो जाना बटा बोर्ड।